बोल हिन तू जोर से बोलो ना रे बोल हिन तू जोर से बोलो ना रे तू बोल हिन फिर मैसेज करेगा फिर मैसेज करेगा नहीं ये लड़का बहुत ही जालसाजी है। इनको हम गांव वाले ने पकड़ा है। इनका काम क्या है? दिल्ली से लड़कियों को फोन करेगा, वो भी 12-13 साल से लेकर के 16-17 साल की लड़कियों का। उसको अपने बातों में फंसाता है, जालसाजी में फंसाता है, तथा लोगों द्वारा पता चला है कि वो उस लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर बाहर किसी और व्यक्ति से शादी के लिए पैसा लेता है। आप लोग गौर से देखिए इस लड़का को, जिसका नाम अभिषेक है। और मैं सभी अभिभावकों एवं बहनों से कहना चाहूँगा कि आप इस लड़का को अच्छी तरह पहचानिए चेहरा से। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र की तस्वीरें मानवीय संवेदना को शर्मसार करने वाली हैं। यहां पहले एक युवक के साथ मारपीट की गई, फिर उसे चप्पल पर थूक फेंक कर चटवाया गया। फिर आज से लड़की लोग को बुलाएगा तुम? नहीं ना बुलाएगा। बोल हिन तू। जोर से बोलो ना रे। तू बोल हिन। नहीं। फिर मैसेज करेगा। नहीं। और उस गाल में भी दो। मारें जोर से। जोर से तो मार लेगी। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक पर आरोप है कि वो मानव तस्करी का काम करता था और जालसाजी के तहत भोली भाली युवतियों को शादी का वादा करके अपने प्रेम जाल में फंसाता था और फिर दिल्ली ले जाकर किसी गैर के हाथ बेच देता था। इसका नाम अभिषेक है। क्या नाम है? जोर से बोलना। पिता का घर लतोना मिशन वा ना? रहते कहाँ हो? दिल्ली में रहता है। कब से रह रहा है दिल्ली में? वार्ड नंबर कितना है लतोना में? पंचायत पंचायत लतोना उत्तर। ये लड़का बहुत ही जालसाजी है। इनको हम गांव वाले ने पकड़ा है। इनका काम क्या है? दिल्ली से लड़कियों को फोन करेगा, वो भी 12-13 साल से लेकर के 16-17 साल की लड़कियों का। उसको अपने बातों में फंसाता है, जालसाजी में फंसाता है, तथा लोगों द्वारा पता चला है कि वो उस लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर बाहर किसी और व्यक्ति से शादी के लिए पैसा लेता है। आप लोग गौर से देखिए इस लड़का को, जिसका नाम अभिषेक है। और मैं सभी अभिभावकों एवं बहनों से कहना चाहूँगा कि आप इस लड़का को अच्छी तरह पहचानिए चेहरा से, और ऐसे लड़कों का संपर्क में ना रहिए। आज ये अभिषेक है, कल पता नहीं कोई और हो सकता है, लेकिन दिल्ली में इनका नाम गोलू है और यहाँ पे अभिषेक। अच्छा, यहाँ भी गोलू नाम से जाना जाता है। तो क्या आगे से वैसा गलती करोगे? बोल के बता। कितना बार किया ऐसा काम? पहली बार किया है। पछतावा हो रहा है? पछतावा हो रहा है। क्या है मेरा ही? नहीं, क्या है ये क्या है? थूक फेंको इस पे। फेंको, थूक फेंको इस पे। नहीं, सैंडल पे थूक फेंको। बैठो बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठ के थूक फेंको, बैठ के थूक फेंको। सैंडल पे जाना चाहिए। बैठो ना रे। फिर फेंको उस पे, सैंडल पे थूक फेंको ना। सैंडल पे फेंको ना, एक जगह फेंको ना। अरे हाथ से उठा के फेंको। उठा उसको हाथ में, सैंडल उठाओ। चाट के बोलो जो आज से हम ऐसा गलती कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, तब हम लोग समाज माफ कर देंगे। चाट के बोलो, बोलो ना, बोलो बोलो। फिर चाट के बोलो, आज से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, दुनिया की सारी लड़की हमारी बहन होगी। आज से ऐसा गलती नहीं। चाटो उसको, बोलो दुनिया की सारी लड़की हमारी बहन होगी। दुनिया की सारी लड़की हमारी बहन होगी। किसी लड़की को आज से हम अपने जाल में नहीं फंसाएंगे। आज से हम एक ही लड़की, हम किसी, फिर बोलो किसी को नहीं फंसाएंगे। किसी को नहीं फंसाएंगे। माफ मांगो हाथ जोड़ के सबसे, बोलो माफ कर दो। माफ कर दो।
मामले का खुलासा तब हुआ जब 5 दिन पहले एक युवती आरोपी युवक से मिलने गई। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का मन बनाया, जिसके लिए परिवार भी राजी हो गए। परिजनों ने जब युवक के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है और ऐसे जालसाजी करना उसका पेशा है। लड़का का सिर्फ घर लतोना में है और वो हमेशा दिल्ली में ही रहता है, और दिल्ली में जब हम अपने रिलेटिव से पता किए कि लड़का का चलन कैसा है, पता चला कि वो भोली भाली लड़कियों को फंसाता है, जो 12-13 साल से लेकर के 17-16 साल की एज के अंदर में रहती है, उन्हें फंसाता है, प्रेम जाल में फंसाता है तथा उन्हें बाहर बेचता है, शादी के लिए दूसरे पार्टी से पैसा लेता है, इस तरह का उसका चाल चलन है। जब उनका मोबाइल हमने चेक किया तो लगभग 6-7 लड़की से इस तरह से वो बात करता था, उनके फ़ोन में उसका रिकॉर्डिंग भी है, उनका 2-2 बीवी होते हुए भी ये प्रेम जाल का मामला ये लड़का लड़कियों के साथ करता था, यही मैटर है। कितना दिन पहले की बात है? ये रविवार का बात है, हम लोगों ने लड़का को पकड़ा है। लड़का को पकड़ के उसका पिटाई भी किया? जी नहीं, थोड़ा बहुत पिटाई किया ताकि लड़का एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हम ऐसे करते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे आप थूक भी चटवा रहे हैं उसको। लड़का खुद अपनी मर्जी से जब एक गलती किया कि हमें थाना में रिपोर्ट नहीं कीजिए, कि आप हमें जो सजा देना चाहते हैं आप दीजिए, हम लेकिन थाना में रिपोर्ट नहीं कीजिए, हम गलती किए हैं तो एक्सेप्ट किए हैं। आप लोग भी थाना में रिपोर्ट नहीं किए? नहीं, लड़का जब लड़का का माँ बाप आया, पिता आया, तो हम लोगों ने मान ली, गलती माना उन लोगों ने कि हाँ लड़का गलती है, तो पंचायती में ये निर्णय लिया गया। पंचायती में दंड भी किया गया? दंड दिया गया, लड़का से लिया गया दंड। कितना लिया गया हम देखिए, हम उस टाइम नहीं। वहीं पीड़ित युवक ने कहा कि लड़की से उसकी मुलाकात एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। घटना के दिन जब वो लड़की को छोड़ने उसके घर गया तो वहां पंचायत के पूर्व मुखिया सहित कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की और चप्पल पर थूक फेंक कर चटवाया गया। इसके अलावा पंचायत ने उससे 10,000 रुपए जुर्माना भी वसूला। पुलिस का सहायता लिए? पुलिस का सहायता नहीं लिया, इस कारण कि मैं थोड़ा वहाँ के लोग मुझे सब मिलके फंसा रहा था, तो मैं अकेला वहाँ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस भी तो 10 लोग एक बात मानता है, एक का तो बात मानेगा नहीं। पुलिस के पास तुम नहीं गए? नहीं, पुलिस के पास नहीं गया। वहीं इस मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई है। वहीं पंचायत के लोगों का कहना है कि बात लड़की की प्रतिष्ठा की थी, इसलिए थाना को सूचना नहीं दी गई। पंचायतों के बेतुके फरमानों की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। जरूरत है ऐसी पंचायतों पर रोक लगाने की जो इस तरह की गैर कानूनी हरकतें कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुपौल से सुभाष की रिपोर्ट।